लॉकडाउन को लेकर बेतिया, बगहा, नरकटियागंज, रामनगर समेत अन्य सभी जगहों पर रक्षाबंधन पर राखी बेचने वाले दुकानदारों में बदहाली का असर। राखी विक्रेता विजय कुमार ने बताया कि इस बार कोरोना संक्रमण को लेकर पर फीका पड़ गया है। दुकान खोलने का आदेश तो मिल गया लेकिन ग्राहक नहीं पहुँच रहे हैं। इस बार बिक्री भी काफी मंदा है। विक्रेता प्रभु साह ने कहा कि बिक्री नहीं होने के कारण सभी राखी विक्रेताओं पर कर्ज चढ़ गया है। फिर भी हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दुकान चला रहे हैं ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। बंधन पर अच्छा राखी बेच रहे हैं। लॉकडाउन के चलते बहुत घाटा में जा रहा है, कोहनी भी नहीं हो रहा है। पहले की अपेक्षा भी आप लोग पैसा महसूस कर रहे हैं? पहले की अपेक्षा अभी जीरो पर जा रहे हैं। लोग नहीं आ रहा है? लोग नहीं आ रहा है, बस 5% बिक्री हो गया है। लॉकडाउन के चलते काफी हम लोग परेशान हैं। जो राखी का सेल आपका एकदम साफ मंदा हो गया, सब पूंजी फंस गया, कर्ज भी मुड़ी को चढ़ गया, कर्ज भी चढ़ गया। लॉकडाउन को लेकर लोग पहुँच नहीं पा रहे, एकदम नहीं लोग आ रहे हैं। इसमें सरकार के प्रशासन की तरफ से कुछ रिलीफ मिला गया आजतवार को खोलने के लिए कि आप लोग बेच लीजिए, बिना ग्राहक पहुंच नहीं रहा है। लॉकडाउन के चलते सब लोग जानता है द्वार का बंद रहता था, लेकिन अब सरकार के तरफ से आप लोगों का पूंजी नहीं फंसा, इसलिए एक दिन का आदेश सरकार के द्वारा मिला। जी जी जी, सरकार को बहुत ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत हम लोग को रिलीफ दिए हैं। उसके बाद भी अब तो पहले से लॉकडाउन था, आज कस्टमर को आने में काफी परेशानी हो रहा है, जिसके नतीजा पूंजी बहुत ज्यादा ब्लॉक हो रही है।